हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ ट्यूटर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इसके मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे और हमने कुछ सवाल भी हल किए थे। बाकी के जो हमारे टाइप बचे हैं उसके सवाल आज हम करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पहले सवाल से। पहला हमारे पास एक सवाल है कि भूमि पर एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बिंदु बी की बात, पी की बात की है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कहीं बिंदु पी है, ये हमारे पास बिंदु पी हुआ। ठीक है, अब एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, तो यहाँ पे कहीं क्या होगा, हमारा एक भवन होगा और इसकी जो ऊंचाई होगी वो 10 मीटर होगी। ठीक है, ये भवन मान लेते हैं हम ए और बी। अब ये जो भवन है ये कितना कोण बना रहा है इस बिंदु के साथ, 30 डिग्री का बना रहा है ना। इसे हम थोड़ा से नीचे मान लेते हैं, ये यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है बिंदु पी के साथ, बिंदु पी के साथ भवन जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इस भवन का जो शिखर है यहाँ पे एक ध्वज है वो लहरा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, फ्लैग है, और ये जो फ्लैग है ये पी से उन्नयन कोण बना रहा है, पी से ये क्या बना रहा है, ये उन्नयन कोण बना रहा है। अब जो ये उन्नयन कोण बना रहा है ये कितना है हमारे पास, 45 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया हमारे पास, 45 डिग्री। तो मैंने ये आपको टैग बताई थी, जब आधार एक हो हमारा तो हम उसे कैसे हल करेंगे। तो अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज मिले हैं, दो समकोण त्रिभुज कौन से, ये कोण ए पर क्या है, समकोण है। ठीक है, एक तो हमारे पास पी ए बी और एक पी ए, इसको मान लेते हैं सी। तो दो समकोण त्रिभुज मिले हैं हमसे, एक तो पूछा है इसने पी ए पूछा है, अगर ये एक्स है तो ये पी ए इन्होंने हमसे पूछा है, दूसरा इन्होंने हमसे ये पूछा है, सी भी पूछा है, इसे हम वाई मान लेते हैं। तो हमें एक्स निकालना है और वाई निकालना है। ये जो फ्रैग है इसकी लंबाई पूछी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है। अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा ये छोटा त्रिभुज है इसमें देखते हैं, तो त्रिभुज पी ए बी में हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, आधार हमें निकालना है, लंब हमें दिया हुआ है और कोण भी हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें लगा सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब 10 और ये आधार, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 10/x, तो x निकल के आया बच्चों हमारे पास 10√3। आप इसको आंसर को यहीं भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप √3 का मान भी रख सकते हैं, तो वो होगा 1.732, तो आप गुना करोगे तो आ जाएगा 17.32 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लंबाई निकल के आई है वो निकल के आई है 17.32 मीटर, इतना निकल गया। अब हमें ये निकालना है, तो अब हम कैसे क्या करेंगे, अब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा होगा हमारा, त्रिभुज पी ए सी में, इसमें आप tan थीटा लगाएंगे तो tan एंगल कितना हमारा, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा हमारा, ये पूरा लंब है, इसमें लंब कौन सा, पूरा AC है इसमें, है ना, AC बटे PA। आप AC को आप क्या लिख सकते हो, AC को आप लिख सकते हो BC प्लस AB और बटे PA। tan 45 का मान होता है 1, तो ये तो 1 हो गया है। अब इसे हल करते हैं, BC हमें कितना दिया हुआ है, हमें BC निकालना है, AB दिया हुआ है 10 और PA हमने अभी निकाला है 17.32। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, ये था हमारा 1 बराबर y प्लस 10 बटे 17.2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 10 बराबर 17.32,
तो वाई बराबर कितना आएगा, 17.32 माइनस 10 यानी कि 7.32। तो जो आपकी फ्लैग की जो लंबाई आई है ये आई है 7.32 मीटर। ठीक है, बस हमें लैंग्वेज पढ़नी है, समझना है, डायग्राम बनाना और फिर हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इसमें लगाने, अप्लाई करने, और बस हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए कि टेन 45 कितना होगा, कोस 45 कितना होगा, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि प्रेक्षक दीवार की ओर 20 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण में 15 डिग्री की वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने एक मीनार बनाई, यहाँ पे ये हमारे पास एक मीनार बन गई है, इसे मान लेते हैं ये ए बी एक मीनार है, ये जो मीनार है ये किसी बिंदु से, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना कोण बना रही है हमारा, 30 डिग्री का कोण बना रही है, इस बिंदु से ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, ये हुआ सी। अब ये जो यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, वो दीवार की इस मीनार की तरफ को चल रहा है, ठीक है, ये जो हमारी मीनार है इसकी तरफ को चल रहा है, कितना चल रहा है, जब वो 20 मीटर तक चल देता है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो 20 मीटर चला डी पॉइंट तक, तो अब जो ये हमारा उन्नयन कोण होगा ये 15 डिग्री और बढ़ जाएगा, यानी कि 30 में हम 15 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब हम कोई भी प्रेक्षक इधर की तरफ चलेगा तो जो हमारा ये उन्नयन कोण है ये बढ़ता चला जाएगा, अगर वो इधर की तरफ चलता पीछे की तरफ तो ये उन्नयन कोण क्या होता, घट जाता, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, आपको ये निकालनी है, इसे हम h मान लेते हैं, ये हमें निकालनी है, ये हमें इतनी पता है, इसको मान लेते हैं ये x है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज मिले हैं, एक तो होगा हमारे पास ए बी डी और दूसरा होगा ए बी सी, तो दोनों त्रिभुज में अलग अलग हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे और फिर इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में देखते हैं, एबीसी में, ठीक है, तो ये 30 है हमारा, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब मतलब एबी, बटे आधार मतलब बीसी, तो एबी हमारा कितना है एच, जो हमें निकालना है, और ये होगा हमारा 20 प्लस एक्स, ये 20 है और ये एक्स है, टेन 30 का मान क्या होगा, 1/√3 बराबर h बटे 20 प्लस एक्स, तो यहाँ से h का मान क्या आया, h का मान आएगा हमारे यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 20 प्लस एक्स बटे अनरूट 3, इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी डी में यहां लगेगा हमारे पास tan 45 बराबर, ये हो जाएगा लंब, लंब मतलब ए बी बटे बी डी, ठीक है, ए बी बटे बी डी, तो ए बी हमारे पास एच और बी डी हमारे पास एक्स, टेन 45 का मान क्या होगा, एक होगा, तो एक बराबर एच बटे एक्स, तो ये हो जाएगा एच बराबर एक्स, समीकरण दो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स है हमें एच का मान निकालना है, एक्स नहीं निकालना है, तो और यहां पे ये दोनों बराबर है, एच बराबर एक्स है, तो इस समीकरण में हम x बराबर h रख देंगे और फिर से सॉल्व कर लेंगे, तो समीकरण एक में x बराबर h रखने पर, क्योंकि हमने अभी निकाल के लाए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये हो जाएगा h बराबर 20 प्लस h बटे √3, इसे सॉल्व करेंगे √3 h बराबर 20 प्लस h, h को इधर ले आएंगे तो √3 h माइनस h बराबर 20, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 20, तो h बराबर आया बच्चों 20 बटे √3 माइनस 1, h का मान ये आ गया। आपने छोटी क्लास में नाइन्थ में ये पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई आंसर आए जिसमें अंडर रूट में मान नीचे दिया हो, ये हमारा अंडर रूट में हो, तो हम उसे वहां नहीं छोड़ते, इसका हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये जो √3 माइनस 1 है तो इसके अपोजिट साइन के साथ हम ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुना करेंगे, कैसे, 20 गुना √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 माइनस 1 तो है और √3 प्लस 1। अब ये नीचे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा
और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, फिर तीन से एक गया तो क्या बचा, दो। तो नीचे सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया, दो आ गया। तो ये हो गया 20 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2, ये हो गया 10 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब अंडर रूट जो है वो ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे हम उसको नहीं छोड़ते हैं, अगर नीचे है तो हम उसका परिमेयकरण कर देते हैं और जो सॉल्व करके आंसर आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, हमने सिर्फ दोनों जो हमारे समकोण त्रिभुज बने हैं उन दोनों पे अलग अलग हमने क्या करा, त्रिकोणमिति अनुपात लगाया और वैल्यू रख के उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अब एच जो है हमारी इस मीनार की हाइट निकल के आ गई है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार है कि चोटी का उसी समतल पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, 30 और 60 दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो मीनार दी हुई है तो सबसे पहले मैं दो मीनार बना लेती हूँ। एक मीनार है मेरी ये और एक है ये। ठीक है, ये जो मीनार है ये मीनार दूसरी मीनार से इसका जो नीचे आधार है उससे कोण बना रही है और कितना कोण बना रही है, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, और जो दूसरी है वो 30 डिग्री का बना रही है तो ये हमारा 30 डिग्री का बना रही है। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसकी हमें ऊंचाई बताया 30 मीटर है लंबाई जो मीनार की, इसकी हमें निकालनी है तो इसे मान लेते हैं h। दोनों मीनार के बीच की दूरी निकालनी है, इसे मान लेते हैं हम x। तो हमें h और x जो है वो निकालना है। ठीक है, अब देखो ये हमने छोटी ली है ना, एंगल के अकॉर्डिंग भी हमने जो ये लाइन है वो ड्रॉ की है, ये बड़ी लाइन है 30 मीटर की है जो 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये हमें h ये 30 डिग्री का बना रही है। अब हमारे पास डायग्राम बन गया है। अब हमें दो त्रिभुज मिले हैं, एक तो त्रिभुज है डी ए बी, यहाँ पे कोण ए जो है वो 90 डिग्री का होगा, दूसरा है सी बी ए, यहाँ पे कोण बी जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो दोनों समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज डी ए बी में, इस त्रिभुज में मैं देख रही हूँ तो इसमें ये हमारा 30 है, तो यहाँ मैं टेन 30 अगर लगाऊंगी तो लंब बटे आधार होगा, लंब एच होगा और आधार एक्स होगा, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये हो गया एच बटे एक्स, तो एच बराबर हो गया √3 एक्स। इसे मैं पहले से विकर्ण मान लेती हूँ। अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे बच्चों, त्रिभुज सी बी ए में यहाँ लगेगा टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, इसमें अब लंब क्या होगा हमारा, ये जो बड़ी मीनार है ये, तो ये हो जाएगा 30 बटे आधार x है हमारा। टेन 60 का मान होगा √3 30 बटे x, तो यहां से x आ जाएगा 30 बटे √3, तो हमारा ये आ गया है x का मान। अब देखो मैंने अभी बताया था आपको एक क्वेश्चन में कि अगर नीचे अंडर रूट है तो उसे हमें खत्म करना होता है परिमेयकरण करके। कैसे करेंगे, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 3, एक्स का मान 10 अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमें एक्स का मान तो निकल गया है यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो निकल गई है, अब हमें एच निकालना है और हमारे पास एक ही समीकरण है जिसमें h और x में रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले समीकरण में हम x का मान रख लेते हैं, समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा h अंडर रूट 3, x का मान क्या है 10 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा बच्चों यहां से बच्चों h बराबर हमारा क्या आएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा x बटे अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, x बटे अंडर रूट 3 होगा, तो अब इसमें जब हम मान रखेंगे तो ऊपर हमारा रखा जाएगा 10 अंडर रूट 3 और बटे में अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया तो h बराबर आया हमारा 10 मीटर। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया, फिर हमने ये वाला त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज में हमने 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, फिर हमने इसे हल किया तो जो h होगा वो होगा x बटे रूट 3, ये x जो है ऊपर चला जाएगा तो h बराबर ये हमारा एक रिलेशन निकल के आया, समीकरण एक होगी।
फिर दूसरा हमने त्रिभुज दिया सी बी ए में, इसमें 10 60, ये जो 60 डिग्री है इसमें लंब ये होगा आधार ये होगा, फॉर्मूला लगा दिया हमने और x का मान निकल के आ गया। x का जो मान निकल के आया था यहाँ पे उसमें नीचे अनरूट में था जिसे हमें हटाना है, तो अनरूट 3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दी हमने, सॉल्व करा, हमारे पास ये आ गया। अब x का मान निकल के आ गया, दोनों के बीच की दूरी निकल के आ गई है, हमें h निकालना है और हमें h और x में रिलेशन ये पता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, x की जगह मान रख देंगे और जब मान रखेंगे तो अनरूट 3 से अनरूट 3 कट जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर ये जो दूसरी मीनार है इसकी ऊंचाई होगी। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, एक समान ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है, सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्षों के उन्नयन कोण विपरीत दिशाओं में क्रम से 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई बताइए। ठीक है, मतलब जो दोनों खंभे हैं उनकी जो ऊंचाई है वो बराबर है और जो बीच की दूरी है ठीक है वो 100 मीटर है और उन्नयन कोण में दिए हुए हैं, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरे पास दो खंभे हो गए, ये ए बी ये सी डी, ये बराबर ये है। ठीक है, अब इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब एक खंभा क्या करता है 45 डिग्री का कोण बना रहा है और एक जो है वो 30 डिग्री का बना रहा है। अगर ये 45 का बना रहा है इस तरह से और ये 30 का बना रहा है, 45 और 30, तो देखो ये यहाँ की डिस्टेंस कम होगी अगर बड़ा कोण है और यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा होगी अगर छोटा कोण है। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो ये जो बिंदु पॉइंट है थोड़ा इधर की तरफ होगा, बीच में नहीं होगा। ये पूरा कितना है हमारा 100 है, अगर हम इसे x मान लेते हैं तो ये कितना होगा 100 माइनस x होगा। ठीक है, ये h है और ये भी h है। अब ये 45 है 30 है, दो समकोण त्रिभुज मिल गए, त्रिभुज ए बी पी, ये बी जो है हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लगाएंगे 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा ए बी यानी कि एच और आधार क्या है बी पी यानी कि एक्स। 10 45 का मान एक होता है तो यहां से क्या निकलेगा एच बराबर एक्स निकलेगा। ठीक है, ये बराबर ये होगा। अब इस समकोण त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज सी डी पी में है ना, यहाँ पे जो डी होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा एच और आधार है हमारा 100 माइनस एक्स। 10 30 का मान होगा हमारा 1/√3 एच बटे 100 माइनस एक्स। अब यहां पे आप क्या रख सकते हैं, ये दोनों तो बराबर है तो आप बराबर मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 एच बटे 100 माइनस एच। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 100 माइनस एच बटे अनरूट 3 एच, इसे इधर ले जाएंगे और h कॉमन लेंगे तो ये होगा अनरूट 3 प्लस 1 बराबर 100, तो h बराबर होगा 100 अनरूट 3 प्लस 1 बटे 100 बटे अनरूट 3 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये h निकल के आ गई है लेकिन इसमें नीचे क्या है हमारा अनरूट में, तो इसका हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे, इसका अपोजिट साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, तो अनरूट 3 माइनस 1 और अनरूट 3 माइनस 1। अब नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, उसे हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो एच बराबर आएगा 100 गुना में अनरूट 3 माइनस 1 बटे 2, 2 से ये गया 50, तो आपके पास आंसर आ गया ये। तो h का मान ये आ गया यानी कि जो हमारी मीनार है दोनों उनकी जो ऊंचाई होगी, सॉरी जो हमारे ये समान ऊंचाई वाली जो हमारे खंभे हैं इनकी जो लंबाई होगी वो होगी 50 गुना में अनरूट 3 माइनस 1। अब इसमें आप आगे भी हल कर सकते हैं, उसमें आप अनरूट 3 का मान रख लेंगे 1.732, फिर मान रख के माइनस करेंगे गुना करेंगे तो आपका और आंसर इसमें निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, समझ में आया। बस हमने अलग अलग दोनों त्रिभुज में ये tan थीटा बराबर लगा दिया है और हमने यहाँ से हमें मिला था h बराबर x है, उसे हमने यहाँ पे रख दिया और सॉल्व करके h का मान निकाल दिया। ठीक है, अगर वो हमसे यहाँ पे x भी पूछेगा तो वो भी कितना होगा, वो भी यही मान होगा, और फिर हमसे अगर वो p d पूछे तो आपको इस मान को क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे,
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हल होगा। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम अवनमन कोण पे कैसे करेंगे। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं पर शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई बताइए। हम पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा पर्वत है, इसे हम पर्वत मान लेते हैं, ये है ए बी, इसे हमें निकालना है, एच निकालना है हमें। और देखो इसे हम जो हमारे अवनमन कोण वाला होता है हम उसे किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्नयन कोण की तरह ही बनाते हैं उसका डायग्राम भी। ठीक है, अंदर क्या होता है वो ऊपर की तरफ बनता है, ये नीचे की तरफ बनता है, लेकिन हम इसे मतलब सीधा उन्नयन कोण की तरह ही बना लेते हैं। कैसे, उसमें एकांतर कोण हम खींच लेते हैं, तो ये इस तरह से कोण बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 30 डिग्री हुआ और ये 45 डिग्री हुआ। अब ये हमारा क्या है, एकांतर कोण बनेंगे इस पे और इस पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 30 डिग्री। ये हमारा यहाँ पे 30 है तो इसका 30 डिग्री हमारा ये होगा और इस 45 का हमारा जो कोण होगा वो यहाँ पे होगा 45 डिग्री। अब बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, इसे हम मान लेते हैं ए बी सी डी, इसे मान लेते हैं एक्स। ठीक है, बस हमने क्या करा, जो हमारे अवनमन कोण थे हमने उनके एकांतर कोण खींच लिए जो क्या होंगे हमारे उन्नयन कोण होंगे। अब इसे हमें वैसे ही हल करना है जैसे हम उन्नयन कोण वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है बी ए सी और दूसरा है बी ए डी। तो समकोण त्रिभुज बी ए सी में टैन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार है ना, एच बराबर एच बटे एक्स, टैन 45 का मान 1 होगा तो यहां से हमारा एच बराबर एक्स निकल के आ गया है। ठीक है, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। अब बड़े त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज बी ए डी में टैन 30 बराबर लंब, लंब क्या है हमारा एच है और आधार क्या है हमारा, आधार है डी ए। अब डी ए का मतलब डी सी प्लस सी ए, यानी कि ये हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे एच बटे 1 प्लस एक्स, टैन 30 का मान होगा 1/√3 बराबर एच बटे 1 प्लस एक्स, ये समीकरण 2 होगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें एच निकालना है, तो हम इस समीकरण से एच बराबर एच रख देंगे इस समीकरण में और एच का मान निकाल लेंगे, तो ये होगा 1/√3 बराबर एच बटे 1 प्लस एक्स की जगह रखेंगे हम एच, एच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बराबर √3 एच, एच इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 एच माइनस एच बराबर 1, एच कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 बराबर 1, तो एच बराबर आ गया 1/√3 माइनस 1। अब ये फिर हमारा नीचे √ में आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या करेंगे, हम इसकी जो अपोजिट साइन है उससे हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। नीचे हमारा ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया √3 प्लस 1/2। आप इसे आगे भी हल कर सकते हैं, √3 का मान रखेंगे 1.732 माइनस प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2.732/2, तो h बराबर आ जाएगा 1.366 क्या किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा किलोमीटर में यूनिट दी हुई थी, तो पर्वत की जो ऊंचाई निकल के आई है हमारी 1.366 किलोमीटर निकल के आएगी। ठीक है, अब हम कोण पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई बताइए। हमारे पास एक नदी है, मान लेते ये एक नदी है ए बी। ठीक है, हमें ए बी जो इसकी चौड़ाई है वो निकालनी है और इसका एक पुल होगा और जो सम्मुख नदी के सम्मुख किनारों के जो अवनमन कोण होंगे वो इस तरह से होंगे। अच्छा, पुल से इसकी पुल से जो डिस्टेंस है वो है हमारी कितनी, 3 मीटर, 3 मीटर। तो ये जो हमारे अवनमन कोण होंगे ये होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है,
ये 30 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे अवनमन कोण है इनके एकांतर कोण खींच लेंगे और वो क्या होंगे, उन्नयन कोण होंगे। अब ये 30 डिग्री का यहाँ पे खींचेगा 30 डिग्री और 45 डिग्री का एकांतर कोण होगा यहाँ पे 45 डिग्री। अब हमें ये दो त्रिभुज मिल गए हैं ए बी सी डी, इन दोनों त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो पहले हम मैं लिखती हूँ त्रिभुज सी डी ए में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, मतलब टेन 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार, और इस त्रिभुज में लंब क्या है हमारा सी डी और आधार है ए डी, तो ये हो जाएगा सी डी बटे ए डी। टेन 30 का मान होगा 1/√3, सी डी 3 है और ए डी हमें निकालना है, तो ए डी क्या होगा 3√3। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज सी डी बी में टेन 45 डिग्री, कोण क्या है हमारा 45 डिग्री, लंब हमारा क्या है सी डी और आधार क्या है डी बी, इसका मान 1 होगा और सी डी हमारा 3 है और डी बी, तो यहाँ से हमें डी बी कितना मिला 1 मिला, सॉरी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी हो जाएगा आपका 1/3 यानी कि 3, तो ये मिल गया 3 और ये मिला 3√3 ए डी और डी बी। तो ए बी क्या होगा, ए बी क्या हमारी चौड़ाई है नदी की, तो वो होगी ए डी प्लस डी बी यानी कि 3√3 + 3, 3 बार कॉमन लेंगे तो 3√3 + 1, ये हमारी ए बी निकल गई और ये क्या होगी बच्चों नदी की चौड़ाई होगी। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे हमने वो सब करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नया चैप्टर होगा वृत्त सर्कल के बारे में। थैंक यू।